तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बेसन सेव बनाने का बहुत ही आसान तरीका। हलवाई स्टाइल में बनाएंगे सॉफ्ट और कुरकुरी नमकीन सेव। इन सेव बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और इनको हम महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक कटोरी से ढेर सारी नमकीन सेव हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, निर्मलाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलकर बनाते हैं नमकीन सेव की रेसिपी को। नमकीन सेव बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसके अंदर मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। बेसन मैंने फाइन वाला लिया है। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो आप बेसन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ये मैंने 1.5 कप लिया है। और अब हम इसको चटपटा बनाने के लिए कुछ मसाले ऐड कर देंगे इसके अंदर। 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप इसके जगह पर काली मिर्च को पीसकर भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे। हल्दी से सेव का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और 1 चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर की मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसके अंदर अजवाइन की डालेंगे। अजवाइन को क्रश करके डालेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छे से आए नमकीन सेव के अंदर। ये देखिएगा इस तरह से। अब हम इसके अंदर हमारी नमकीन सेव सॉफ्ट बने तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/4 चम्मच इसके अंदर बेकिंग सोडा मिला देंगे, जिसे खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 चुटकी के लगभग होगा ये। इससे ज़्यादा नहीं डालना है हमें इसके अंदर। अगर ये आप ना भी डालेंगे ना, तब भी बेसन हमारी अच्छी ही बनेंगे। अगर हो तो डाल दीजिएगा। अब मोयन के लिए हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। 4 से 5 चम्मच मैंने ये ऑयल डाला है। और इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे ऐसे। तो इस तरह से हम आसानी से घर पर बेसन सेव बना सकते हैं और इनको हम महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताया मैंने ये। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक चिपचिपा सा डो तैयार करेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा मुलायम रखना है हमें। ये देखिए, पानी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे इसका हम। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। ये ऐसा मुलायम रखना है हमें। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट पे छोड़ेंगे ताकि बेसन हमारा अच्छे से फूल जाए। ये लीजिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं बेसन को रेस्ट करते हुए। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बेसन हमारा तैयार है नमकीन सेव बनाने के लिए। तो अब हम एक मशीन लेंगे। ये मशीन वाली की अंदर की जाली है। ये देखिए, आप जैसे भी नमकीन बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। तो पहले हम इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे इस तरह से, ताकि हमारी नमकीन सेव बिल्कुल स्मूथ निकले। ये देखिए, मैं आज बारीक वाली नमकीन सेव बनाऊंगी। इसको बारीक वाली जाली का मैंने इस्तेमाल किया है। अब चम्मच से हम इसके अंदर बैटर को भर लेंगे। अगर आप मोटी वाली सेव बनाना चाहते हैं तो मोटी वाली जाली का इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए अब हम इस मशीन को सेट कर देते हैं ऐसे। अगर आपके पास ऐसी मशीन ना हो तो आप दूध की थैली से या फिर नमक की जो पैकेट आते हैं ना, उससे भी इस नमकीन सेव को बना सकते हैं। चलिए अब हम इसको अच्छे से पैक कर देंगे। मशीन को हमें अच्छे से टाइट करना है इसको, ताकि ये सेव निकालते टाइम पे खुले ना ऑयल के अंदर। ये देखिए, चलिए अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है और ऑयल को हमें अच्छे से गर्म करना है। ये देखिए, इस तरह से हम डाल देंगे। और थोड़ी सावधानी से डालिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से। ऑयल काफ़ी गर्म है। अब हम क्या करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे। जब ये झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे ना, तब हम इसको पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसको पलटना है। अब एक साइड से तो ये अच्छे से पक चुके हैं। अब इस तरह से पलट कर भी हम कुछ सेकेंड के लिए इसे पका लेंगे, इसे फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता है इनको फ्राई होने के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए ही अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और ना ही हम इसको ज़्यादा डार्क कलर करेंगे। ये देखिए, तो नमकीन सेव हमारी इस तरह से बन करके तैयार हो जाएंगी। बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही आसान है फ्रेंड्स घर पे बनाना। ये देखिए, है ना लाजवाब, बिल्कुल लग रही है ना हलवाइयों जैसी, मार्केट जैसी नमकीन सेव। चलिए तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इतना ही हमें इनको डार्क करना है। ये देखिए, चलिए अब दूसरा बेज भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे और थोड़ा सा हम ध्यान से डालेंगे फ्रेंड्स इसे। ऑयल काफ़ी गर्म है, ये देखिएगा ऐसे। और इसको पलट लेंगे। अब इसको भी कुछ सेकंड सिकने देते हैं ऐसे।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा बैच भी तैयार है इस तरह से। तो सारी नमकीन सेव हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने कुछ ही समय में, कुछ ही टाइम में देखिए कितनी सारी नमकीन बना करके तैयार कर ली हैं और बहुत ही लाजवाब नमकीन बन करके तैयार हुई हैं ये। तो एक कटोरी से हम ढेर सारी नमकीन सेव बना सकते हैं और सॉफ्ट तो इतनी बनी है, ये देखिए हाथ में लेकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब सेव बन करके तैयार हुई है। और ख़ास बात ये है कि इनको आप महीने दो महीने स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो हम इस तरह से घर पर ही आसानी से नमकीन सेव बना सकते हैं। हलवाई लोग तो उसी तेल को काफ़ी बार यूज़ करते हैं, तो वो नमकीन हमारी अच्छी नहीं रहती और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं रहती, बार बार उसी ऑयल को यूज़ में लेते हैं वो लोग। तो हम इस तरह से घर पर आसानी से और शुद्ध तरीके से बना सकते हैं ये। और देखिए फ्रेंड्स, थोड़े से बेसन से कितनी ढेर सारी नमकीन बन करके तैयार हुई हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगा इसके अंदर और स्वाद में तो इतनी लाजवाब बनी है। घर की बनाई हुई चीज़ तो हमेशा अच्छी ही बनती है, एक बार आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं हलवाइयों जैसी नमकीन। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप चाहें तो इस तरह से मोटे वाली नमकीन सेव भी बना सकते हैं, मैंने आज ये बारीक वाली नमकीन सेव बनाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।